सामने कोई विलेज दिखाई दे रही है, कौन विलेज है चल के पता करते हैं। ये जांसकर का मार्लिंग गांव है। जब आप गुम्बोक रंजन से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा करग्याक, वहां पे आप रुक सकते हैं, होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। उसके आगे फिर ये जगह मिलेगा, ये गांव मार्लिंग। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है और कुछ अगर अंदर गांव में जाएं तो आपको होम स्टेज की सुविधा है वहाँ पे, एज ए पेइंग गेस्ट आप वहाँ पे रह सकते हैं। अभी तो ये है गांव, आप नज़ारा देख लीजिए 360 व्यू। फुल ऑफ रोडिंग है, मतलब सिंकुला से लेके और पदुम तक फुल ऑफ रोडिंग, एक भी छोटी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। अरे यार, ये तो पूरा स्लाइड वाला एरिया भाई साहब, भाई नीचे एकदम खड़ा। भैया बड़े ही खतरनाक जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है भाई। सिंकुला से पदम का रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए नहीं है। अभी हम रारू विलेज में हैं, रारू पदम से 20 किलोमीटर पहले, और यहाँ से रास्ते काफी अच्छे हो गए हैं, एकदम ब्लैक टार्ड रोड। बोम्बोरंजन से लेके 31 किलोमीटर तक रास्ता, बोम्बोरंजन से 31 किलोमीटर रारो विलेज तक रास्ता बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी, बहुत ही खराब पोजीशन में रास्ता है। फिर रारो विलेज, ये रहा रारो विलेज। चेतक, लव यू चेतक। और ये रहा रारो विलेज। यहाँ से रास्ता आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है, यहाँ से पदम तक का रास्ता बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो हम आ गए अब पदम में, हेलीपैड। ये सामने रहा होटल, ये ऊपर जो येलो कलर वाला और जो डोम टाइप का बना हुआ है, तो अभी हम लोग पदम से कारगिल वाले रास्ते में सनी मॉनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं जो स्टॉट वैली में आता है। और ये यहाँ के गांव, छोटे छोटे घर। अंकल यहाँ पे जैसे यहाँ से ले राइट, जो बड़े बूटा नजर आता है ना सर, उसके साथ आगे रोड है। हाँ। सीधा मनुष्य घड़ी ही जाता है। अच्छा, तो अभी हम सनी मॉनेस्ट्री में हैं। ये सनी मॉनेस्ट्री है, और यहाँ पे हिज हाइनस दलाई लामा का वो लगा हुआ है, और इसको मतलब वो कनिष्क ने वो बनवाया था ना, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के जो थे, कनिष्क ने बनवाया था। और ये तिब्बतन बुद्धिज्म का, ये मतलब कार्ग्यू सेक्ट का है यार, कार्ग्यू कार्ग्यू ये तिब्बतन बुद्धिज्म का कार्ग्यू सेक्ट में उसको। तो जैसे नरोपा की पूजा यहाँ पे भी होती है, या हर या वहाँ पे जो डिजांगकुल है वहाँ पे नरोपा की, नरोपा का तो भारत ही बंद है, उसमें कोई भेद नहीं है। अच्छा, पूरा यानी कि हिमालय में जितने हैं सब नरोपा से। अच्छा, तो जैसे पद्मा संभव थे यहाँ पे, तो पद्मा संभव मतलब फर्स्ट उन्होंने यहाँ पे आके ये किया था क्या? तिब्बतन बुद्धिज्म। अच्छा, तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर ये पद्मा शंभव है, बगैर तो तिब्बतन का अस्तित्व नहीं है। हाँ हाँ, सही बात है। उन्होंने कुछ टाइम बिहार में भी स्पेंड किया था, वो विक्रमशिला में ना, वहाँ का तांत्रिक। हाँ हाँ हाँ, अभी हम जांसकर के सनी विलेज में हैं। जगह जाना जाता है सनी गोम्पा, यहाँ का काफी
फेमस और काफी ओल्डेस्ट मे बी ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है लद्दाख का, जहाँ भी हम लोग गए हुए थे। और ये है एक ग्रासलैंड टाइप का, छोटे से इसमें एक छोटी सी झील भी है, और वहाँ पे गौतम बुद्ध की स्टैचू बना हुआ है वहाँ पे। ये छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, सनी विलेज के यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पे पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में है? वन सेकंड में, स्टैंडर्ड टू में। ठीक है, तो क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं? अच्छा बुद्ध, बहुत अच्छा। बुद्धिज्म के मतलब एक अलग क्लास चलती है आप लोगों की ना? अच्छा, तो वो तो आप एक बार हमें वो सुना दीजिए ना, जो आप लोगों का मंत्र है, ओम मणि पद्मे हुम, याद है आपको? नहीं याद है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा पिकन में। पिकन किस चीज में आएगा बेटा? पिकन, अच्छा पिकन में नौकरी करते हैं। मम्मा घर में रह के खाना बनाती है। ठीक है, और आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? आप कहते हैं कहाँ, यहीं पर रहते हैं कहीं का दूर रहते हैं? अच्छा पद्म में है, तो अभी आपके यहाँ आपसे घूमने हुए हैं क्या? घूमने किसके साथ आए हो? एक घंटा नहीं, किसके साथ आए हो? कौन, किस अकेले आए हो क्या? और तुम्हारे साथ कोई भाई बहन मम्मी पापा? अकेले आए हो क्या? मम्मी पापा है। नहीं, यहाँ पे कौन, यहाँ पे घूमने जो अभी आए हो आप इस लेक? नहीं, अच्छा तुम अकेले आए हो ना। चलो अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करो। मेरा नाम राहुल है, हमारे मित्र हैं, इनका नाम सुधीर है। ठीक है, हम लोग तुम्हारे बहुत खूबसूरत जगह पे, तुम रहते हो बेटा, मतलब हम लोग उतनी दूर से यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, हमारे छोटे सिकंदर की छाती के थार पे बैठ के फोटो खिंचाए। मेरा नया दोस्त है, लिटिल लिटिल फ्रेंड, मेरा छोटा वाला दोस्त। फिर आएंगे तो पहचान जाओगे ना? आप लोगों को बेटा बाय, आफी बट बाय, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। एंजॉय करो कैंपिंग को, एंजॉय करो आप लोग। वेरी गुड, वेरी डन। अब आ गए हम पदम के पेट्रोल पंप पे। पदम में दो पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप है जो पदम से कारगिल वाले रास्ते में मिलेगा, और एक मिलेगा जिस रास्ते से हम लोग कल जाएंगे पदम से लमायुरु ले वाले रास्ते में, जांगला वाले रास्ते में पहले। और यहाँ पे पेट्रोल डीजल सब है भाई। आ गए हम लोग, आ गए खूबसूरत पेट्रोल पंप, खूबसूरत वादी में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है भैया। तो अभी हम पदम के मेन मार्केट में हैं। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता है कारगिल जाने का। इस रास्ते से आप कारगिल चले जाएंगे। ये रास्ता, इस रास्ते से आप जांगला होते हुए, लिंगशेड होते हुए ले आप चले जाएंगे। ये तिमोहानी है, और ये रास्ता एक ये हुआ। इधर से आप शिंकुला चले जाएंगे, जिसपा से हम लोग इसी रास्ते से आए थे। उसके बाद ये हुआ, इस रास्ते से आप निकल जाएंगे जांगला होते हुए, लिंगशेड होते हुए ले। और ये हो गया कारगिल जाने का रास्ता। मेनली पदम का मेन मार्केट यही है, जो भी छोटा सा मार्केट है बस यही है। गिने चुने कुछ होटल्स हैं, होम स्टेज वगैरह हैं, ज़रूरत की सामान मिल जाती है यहाँ पे। ज़रूरत की लगभग सारी सामानें उपलब्ध हैं यहाँ पे, और बहुत छोटी सी जगह है, खूबसूरत जगह है। यह होटल पोटाला जांसकर, पदम का सबसे बढ़िया होटल यही है।
और यहाँ पे ये प्राइमरी हेल्थ केयर है। यहाँ पे यहाँ का पदम का हॉस्पिटल काफी बड़ा हॉस्पिटल है। ये बोले डॉक्टर्स की कॉलोनी है, हॉस्पिटल हो गया।